हाँ जी, क्लास 9 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आप सभी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली 3 कक्षाओं से हमारे रहीमदास जी के दोहों का अध्ययन और अध्यापन चल रहा है, और इसके पीछे यही कारण है कि जो दोहे हैं उनमें दी गई जो सीख है और वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग है और उसका जो तात्पर्य है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि अगर आपने दोहे समझ लिए तो आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इसी कक्षा की ओर, जिसका यहाँ पे शीर्षक लिखा गया है रहीम के दोहे। कल मैंने जो दोहे पढ़ाए थे उनमें एक दोहा छोड़ दिया गया था, ध्यान से सुनिएगा। नाद रिझी तन देत मृग नर धन हेत समेत। नाद रिझी तन देत मृग नर धन हेत समेत। ते रहीम पशु से अधिक, ते रहीम पशु ते अधिक। रिझे हो कछु ना देत, रिझे हो कछु ना देत। थोड़ा बहुत अक्षरों का अगर फेरबदल हो जाए तो घबराना नहीं कि अरे मैडम हमारी बुक में ऐसा, और अगर वर्ड ही पूरा चेंज हो जाता हो तो जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए नाद, नाद का अर्थ होता है संगीत, ठीक है। रिझी, रिझी का अर्थ होता है आकर्षित होना। तन यानी पूरा शरीर। देत, दे देता है। कौन, मृग यानी हिरण। ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत दोहे में एक सीख दी है, शिक्षा दी है कि जब आप किसी की कला से, किसी के आर्ट से, किसी के हुनर से, किसी के टैलेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो तो आपको उसके टैलेंट को ध्यान में रखते हुए उसकी सहायता के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये यहाँ पे उन्होंने शिक्षा दी है कि आप किसी कला से, किसी की व्यक्ति की कला से बहुत प्रभावित होते हो और वो जरूरतमंद व्यक्ति है तो उसकी कला को ध्यान में रखते हुए आपको उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए उसकी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। बेटा मैं एक आप लोगों को उदाहरण देना चाहूंगी कि जब भी हम सड़क पर से या बाजार में से कहीं से गुजर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कई ऐसे कला के पारखी लोग होते हैं जो बांस की दो डंडियां इस तरह से खड़ी कर देते हैं और बीच में रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी पर ही बिना किसी सहारे के लकड़ी हाथ में लिए या कोई और दूसरी चीज हाथ में लिए कोई छोटी बच्ची या कोई छोटा लड़का जो है उस पर चलकर हमें दिखाता है। और उसकी इस कला को देख करके खूब सारे लोगों का एक समूह वहां इकट्ठा हो जाता है, उसकी कला को देखा जाता है। या आग का एक बहुत भयंकर गोला सा बना दिया जाता है और उस गोले में से कूद करके वो बच्चे दिखाते हैं लेकिन अपने आप को वो बिल्कुल आग से सुरक्षित बनाए रखते हैं। कई ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है जिसमें ये कलाकार जो है अपने जीवन को खतरे में डाल करके हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। लेकिन इस मनोरंजन के बावजूद भी जब वो अपनी सहायता के लिए उनसे थोड़ा दान मांगने लगते हैं, पैसा लेने लगते हैं तो लोग ऐसे होते हैं जो मुंह फेर कर चले जाते हैं। जब तक उनकी कला का प्रदर्शन चल रहा है तब तक देखते हैं और वरना वो वहां से रवाना हो जाते हैं। तो रहीमदास जी ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया। क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा कि मृग यानी हिरण संगीत के प्रति आकर्षित होकर के अपने शरीर को भी त्याग देता है। कैसे कि शिकारी जब हिरण का शिकार करता है तो एक मधुर संगीत बजाता है, मधुर संगीत की ओर आकर्षित होकर के जैसे हिरण आता है तो शिकारी उस हिरण का शिकार कर लेता है। यानी हिरण जो है वो संगीत की ओर आकर्षित होकर के अपने पूरे शरीर को, अपने प्राणों को त्याग देता है। आ गई बात समझ में कि जब किसी शिकारी को हिरण का शिकार करना है तो मधुर संगीत की आवाज उसे सुनाई जाती है, उसे संगीत की ओर आते हुए उस हिरण का शिकारी शिकार कर देता है। क्यों, क्योंकि वो हिरण जो है संगीत के प्रति आकर्षित होकर अपने शरीर को त्याग देता है यानी अपने प्राणों को त्याग देता है। लेकिन मनुष्य, नर यानी मनुष्य, मनुष्य कैसे है, धन यानी धन दौलत या संपत्ति, हेत यानी के लिए, के हेतु में या के लिए, हेत यानी हेतु यानी के लिए, समेत समूह में शामिल होता है या
संबंधों में शामिल होता है, संबंधों में शामिल होता है। ध्यान दीजिएगा कि हिरण संगीत की ओर आकर्षित होकर अपने प्राणों को ही त्याग देता है, अपने शरीर को ही त्याग देता है, लेकिन मनुष्य जो है वो दूसरों की संपत्ति के लिए उसके प्रति अपने संबंध कायम करता है, यानी धन दौलत के लिए ही वो अपने संबंध दूसरों से बनाता है। यानी मनुष्य क्या हुआ, स्वार्थी। तो ऐसे ही स्वार्थी मनुष्य के लिए रहीमदास जी क्या कहते हैं, ते यानी ऐसे व्यक्ति या वे व्यक्ति। रहीम के अनुसार पशु यानी जानवर, ते यानी से, अधिक यानी ज्यादा, वो क्या है कि ऐसे व्यक्ति जानवर से भी ज्यादा निम्न श्रेणी के होते हैं, ऐसे व्यक्ति जानवर से भी ज्यादा निकृष्ट होते हैं, नीचे होते हैं। क्यों? क्योंकि रिजेहू वो दूसरों की कला की ओर आकर्षित तो होते हैं, रिजेहू यानी आकर्षित तो होते हैं, कछु ना देत, लेकिन उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। आई बात समझ में कि हिरण जैसा प्राणी संगीत की ओर आकर्षित होकर अपने प्राणों को भी त्याग देता है, अपने शरीर को भी त्याग देता है, लेकिन मनुष्य सिर्फ धन दौलत और संपत्ति के लिए दूसरों के प्रति अपने संबंधों को बढ़ाता है, यानी मनुष्य क्या हुआ, स्वार्थी। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो जानवर से भी ज्यादा निम्न श्रेणी के माने जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति दूसरों की कला से आकर्षित तो होते हैं लेकिन उनकी मदद के लिए देते कुछ भी नहीं है। समझ आया सभी को ये दोहा? समझ आ गया। इसके बाद जो अगला दोहा है वो आपका यहाँ पे दिया गया है कि बिगड़ी बात बनी नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध का मथे नमाखन होय। ये मैंने आपको कल समझा दिया था, एक बार फिर से दृष्टि डाल लीजिए। क्या कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, किन कोय, रहीमन फाटे दूध का मथे ना माखन होय। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई बात, यानी बात बने नहीं, पहले जैसी वापस नहीं होती है, पहले जैसी वापस नहीं बन पाती है। लाख यानी लाखों, करो यानी कर लो, किनको यानी कोशिशें, उपाय, तरीके, प्रयास, ठीक है, कि लाखों प्रयास या लाखों तरीके कर अपना लेने के बाद भी व्यक्तियों के बीच में जो बात बिगड़ चुकी है वो पहले के जैसी नहीं बन पाती। अपनी इस बात को उदाहरण से साबित किया, रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह से फटे हुए दूध को ना तो मथ सकते हैं और ना ही उससे मक्खन प्राप्त होता है, उसी तरह से व्यक्तियों के बीच में एक बार बात बिगड़ गई तो उसे वापस से पहले जैसा बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगले दोहे पे चलिए। रहीमदास जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रहीमन बडेन को देख कर लघु ना दीजिए डारी, लघु ना दीजिए डारी। क्यों भाई, क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। ठीक है, अब यहाँ रहीमदास जी क्या कहते हैं, ध्यान देना। अब पहली तो शिक्षा ये है कि उच्च पद वाले लोगों को देख करके निम्न पद वाले लोगों की हमें घृणा से उनका त्याग नहीं करना चाहिए कि भाई ये तो लोअर कैटेगरी का है, ये तो फोर्थ क्लास कर्मचारी है, हम इससे बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहां पर ये निम्न श्रेणी वाले व्यक्ति हमारा काम निकाल सकते हैं वहां उच्च श्रेणी वाला व्यक्ति भी हमारे किसी काम का नहीं रहता। क्या कहते हैं, देखिए रहीमन, रहीमदास जी कहते हैं बड़ेन को, बड़े या उच्च पद वाले व्यक्ति को देखकर, लोगों को देखकर, वो देखकर लघु निम्न या छोटे पद वाले व्यक्ति ना दीजिए डारी, नहीं देना चाहिए त्याग, उस व्यक्ति का हमें त्याग नहीं कर देना चाहिए, उससे हमें अपने संबंध तोड़ने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमदास जी उदाहरण देते हैं, क्योंकि जिस जगह पर हमारा काम एक छोटी सी सुई के द्वारा किया जा सकता है, जहां काम आवे सुई यानी जिस स्थान पर
सुई के द्वारा काम पूर्ण किया जा सकता है। का करे तलवारी, का यानी क्या कर सकती है, तलवार यानी तलवार जैसा अस्त्र। तो वहां पर जहाँ सुई से काम निकाला जा सकता है वहां तलवार भी कुछ नहीं कर सकती है। तो जिस कार्य को छोटे पद वाले व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं वहां उच्च पद वाले व्यक्ति की भी कोई पूछ नहीं होती। अतः सभी से हमें समान संबंध रखने चाहिए, निम्न पद वाले व्यक्ति का भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी कभी ना कभी हमारा काम कर सकता है। दोबारा देखिए, रहीम दास जी कहते हैं, बड़े या उच्च पद वाले व्यक्तियों को देख करके हमें छोटे या निम्न पद वाले व्यक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस स्थान पर सुई के द्वारा हमारा काम पूर्ण हो सकता है वहां तलवार भी कुछ नहीं कर सकती है। अर्थात तलवार भी हमारे लिए काम की नहीं होती और सुई जैसी छोटी सी वस्तु हमारा काम निकाल सकती है। समझ गए। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे कि जब कपड़े सिलने की बात आती है तो सुई जैसी छोटी सी वस्तु हमारे लिए कारगर साबित होती है और जहाँ युद्ध के मैदान की बात आती है तो तलवार से काम निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कपड़े सिलने के लिए हम तलवार काम में ले लें तो वो हमारे लिए काम की वस्तु नहीं रहती है। उसी तरह से हमें उच्च पद वाले व्यक्ति से तो अपने संबंध रखने ही चाहिए लेकिन उनके संबंधों को देखकर हमें निम्न पद वाले व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसे काम भी पड़ते हैं कि हमारे निम्न पद वाले व्यक्ति उस काम को निकालने में हमारी सहायता करते हैं। समझ आ गया सभी को। अगला देख लीजिए दोहा क्या कहता है। अगला दोहा बहुत अच्छी शिक्षा देता है। देखिए बेटा, जब भी मुसीबत में होते हैं तो हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी हमारा साथ देते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं देते। कैसे? क्योंकि जब भी मुसीबत आती है व्यक्ति की सहायता उसके द्वारा कमाया हुआ धन ही कर सकता है। अगर आप एकदम निर्धन हो, बहुत गरीब हो, तो हर कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। देखा आपने दुख के अधिकार में पाठ में कि वो बुढ़िया होती है, उसके बेटे की मौत हो जाती है लेकिन कोई भी उस बुढ़िया को उधार नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि पता था कि उसका बेटा तो मर चुका जो उधार चुकाता था। अगर इसको अब दे दिया जाएगा उधार तो ये हमारा उधार चुका भी नहीं सकेगी। तो मुसीबत के समय हमारी सबसे ज्यादा सहायता कौन कर सकता है? हमारा खुद का मेहनत से कमाया हुआ पैसा। क्या कहते हैं देखिए, रहीम दास जी ने शिक्षा दी है, रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, बिनु पानी ज्यों जलज को रवि ना सकत बचाए, रवि ना सकत बचाए। अब ध्यान दीजिएगा बेटा इस दोहे में रहीम दास जी क्या कहते हैं। उदाहरण तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि मुसीबत के समय आपके द्वारा मेहनत से कमाई हुई पूंजी ही आपकी मदद कर सकती है और कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता। क्या कहते हैं देखिए, रहीमन रहीम दास जी के अनुसार निज यानी अपनी संपत्ति यानी धन दौलत, बिना यानी के बिना, को यानी कोई भी, ना यानी नहीं, विपत्ति यानी मुसीबत में, सहाय यानी सहायता। क्या हुई लाइन? रहीम दास जी के अनुसार मुसीबत के समय अपनी धन दौलत के बिना कोई भी आपकी सहायता नहीं करता है। यानी मुसीबत में सबसे ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित क्या होता है? हमारा कमाया हुआ पैसा। अगर पैसा है तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो सकता है, बड़े से बड़े संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो कोई भी व्यक्ति ना तो आपकी मदद करने के लिए आएगा क्योंकि आप किसी भी तरह के सामर्थ्यवान नहीं हो, एकदम आप निर्बल हो, एकदम आप बिल्कुल खाली हो चुके हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास खूब अच्छा धन है और आप फिर भी मुसीबत में हो तो हर कोई व्यक्ति अपनी अप्रोच लगा करके, अपनी जैक लगा करके, अपनी हेल्प दे करके आपका काम निकलवाने की कोशिश कर सकता है। क्या कहते हैं कि रहीमन रहीम दास जी कहते हैं, निज यानी अपनी संपत्ति यानी धन दौलत, बिना यानी के बिना, को ना कोई भी नहीं होता, विपत्ति यानी मुसीबत के समय, सहाय यानी सहायता करने वाला। कि व्यक्ति के जीवन में जब भी मुसीबत आती है तो उसके द्वारा कमाई हुई धन दौलत के अलावा उसकी कोई भी सहायता करने वाला
नहीं होता। कैसे? उदाहरण दिया, बिनु यानी के बिना, पानी पानी के बिना, ज्यो यानी जिस प्रकार, कि जिस प्रकार पानी के बिना जलज जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, ज्यो यानी जिस प्रकार पानी यानी पानी के बिनु यानी बिना जलज यानी कमल को, कि कमल को खिलाने के लिए क्या जरूरी है, पानी से लबालब तालाब तो होना चाहिए ना, कि कमल जो है वो पानी में खिलता है ना। तो अगर पानी नहीं है, बिना पानी जिस तरह से कमल को रवि यानी सूर्य भी ना यानी नहीं, सकत यानी सकता, बचाई यानी बचा, तो बिना पानी के जल में खिलने वाले, जल में जन्म लेने वाले कमल को सूर्य भी अपने प्रकाश से बचा नहीं सकता। बिना पानी के वो कमल जो जल में जन्म लेने वाला है, कमल है, वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। उसको सूर्य भी अपने प्रकाश के द्वारा जीवित नहीं रख सकता। उसी तरह से अपने द्वारा कमाई गई धन दौलत के बिना इस संसार में कोई भी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की सहायता नहीं करता। ठीक है, दोबारा से देखिए कि रहीमदास जी कहते हैं, अपनी संपत्ति के बिना मुसीबत के समय कोई भी व्यक्ति की सहायता नहीं करता है। जिस प्रकार पानी के बिना जल में खिलने वाले कमल को सूर्य भी अपनी प्रकाश से, अपनी रोशनी से बचा नहीं सकता है। ठीक है, अब हमारी इसी पाठ्य पुस्तक का, इसी पाठ का अंतिम दोहा क्या कहते हैं। इसी दोहे से रहीमदास जी की दूरदर्शिता पता चलती है, यानी वो कितना आगे का सोचते थे। देखिए अंतिम दोहा है, और अंतिम दोहा पढ़ने के बाद हम इस पाठ पे अपना एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। प्रश्नों के उत्तर आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगी। क्या कहते हैं देखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन, मोती गए न उबरे, मोती गए न उबरे, मोती गए न उबरे। यहाँ पे दिया है मोती मानुष चून, थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे दिया गया है पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ध्यान दीजिएगा, दोहा सभी ने देख लिया, दोहा अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देख ही रहे हो। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय बाकी है, समझिएगा बेटा ध्यान से। क्या कहते हैं देखिए, रहीमन रहीमदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, पानी यानी जल राखिए यानी बनाए रखना, कि हे ईश्वर इस संसार में जल हमेशा बनाए रखना। जल है तो कल है, और जल नहीं है तो आगे की पीढ़ियों का जीवन भी संभव नहीं है। बिन पानी यानी पानी के बिना सब यानी सारा संसार सून यानी बंजर नजर आता है, सुनसान, एकदम उजाड़, एकदम बंजर नजर आता है। सही बात है, रहीमदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप इस धरती पर हमेशा पानी बनाए रखना, बिनु पानी सब सून, बिना पानी के सब बंजर नजर आता है, सब उजाड़ नजर आता है, सब सुनसान नजर आता है। अब पानी, पानी का तीन अर्थ है बेटा। अपन कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छी पार्टी में गया था, लेकिन लोगों ने उसको इतने ताने दिए, वहां तो उसका पानी उतार दिया। पानी उतार देना यानी मनुष्य की इंसल्ट करना, उसे अपमानित करना, उसे बेइज्जत करना। ठीक है, मोती होते हैं, बहुत बेशकीमती होते हैं, मोतियों की माला पहनी जाती है। लेकिन अगर कह दें, कह रहे इस मोतियों का तो पानी ही उतर गया, ये एकदम कैसे हो गए हैं, कांतिहीन हो चुके, चमक रहित हो चुके, तो मोतियों का पानी यानी मोतियों की चमक। ठीक है, और चून होता है आटा, आटे में पानी नहीं मिलाओ तो आटा खाने योग्य नहीं होता। तो तीन चीजें हैं, तीनों चीजों में एक पानी शब्द का अलग अलग अर्थ आया। ध्यान दीजिए, पानी रहीमदास जी कहते हैं एक बार अगर पानी गए, चला जाए, ना उबरे, तो वो जो वस्तु है वो फिर से अपना स्थान नहीं पा सकती। कौन सी वस्तु? जैसे सबसे पहले आता है मोती, मोती का पानी यानी मोती की चमक अगर चली जाए तो मोती काम के नहीं रहते। मानुष, मनुष्य का पानी यानी मनुष्य का सम्मान समाप्त हो जाए तो वापस वो अपना सामाजिक सम्मान नहीं पा सकता। और चून यानी आटे में अगर पानी नहीं मिलाया जाए तो वह खाने योग्य नहीं रहता। तो यहाँ पानी शब्द का तीन अलग अलग वस्तुओं के संदर्भ में तीन अलग अलग अर्थ आते हैं। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए, हे ईश्वर इस धरती पर पानी बनाए रखना,
बिन पानी सब सून, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो सारा सुनसान और बंजर हो जाएगा। पानी गए ना उबरे, कि एक बार अगर किसी का पानी समाप्त हो जाए या पानी चला जाए या पानी नष्ट हो जाए तो वो वस्तु फिर से अपना स्थान कायम नहीं कर पाती। कौन कौन सी वस्तु? जैसे मोती, मोती का पानी खत्म हो जाए तो मोती चमकदार नहीं रहता, काम का नहीं रहता। मनुष्य का पानी, मनुष्य का पानी यानी मनुष्य का सम्मान नष्ट हो जाए तो वापस से वो अपना सामाजिक सम्मान नहीं पा सकता। और चून होता है आटा, यदि आटे में पानी नहीं मिलाया जाए तो वो खाने योग्य नहीं रहता। तो इसीलिए रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इस प्रकार से हमने आज रहीम दास जी के दोहों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का मेरा यह प्रयास समझ आया होगा। आप लोग अपनी थोड़ी सी अभ्यास या प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ताकि इन दोहों के सभी अर्थों को आप अच्छे से समझ सकें। अब आपके पाठ में जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, सारे प्रश्नों को पढ़िएगा, उनके उत्तर आप खुद ढूंढिएगा। कल की कक्षा में हम इन्हीं प्रश्न उत्तर पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।